हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। मैं भी उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से बेटा कर रहे होंगे। दोस्तों दोस्तों आज ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक का बाइंड होता है। फिर अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल का कह रहा इफ एक्स इक्वल ए सेक थीटा इंटू कॉस फाई दे रखा है, फिर वाई दे रखा है बी सेक थीटा इंटू साइन फाई दे रखा है। फिर देखो बेटा, ये आपका जो सिंबल होता है ना, बीच में ओ को काट दो, इसे बेटा फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम फाई बोलते हैं, फाई इसको हम बोलेंगे दोस्तों, है ना। अब यहाँ देखो बेटा, हमको एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जेड की वैल्यू हमको दे रखा है। वाई की वैल्यू हमको दे रखी है बी सेक थीटा इंटू साइन फाई दे रखा है, और जेड की वैल्यू बेटा हमको दे रखा है सी टेन थीटा बेटा हमको वैल्यू दे रखा है। तो हमसे उन्होंने क्या बोला है, कह रहा है प्रूव दैट, प्रूव करो क्या कि एक्स स्क्वायर अपान का ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान का बी स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर अपान का सी स्क्वायर इक्वल टू वन बेटा होगा। मतलब इनको सॉल्व करो बेटा, अपन हमको लेके आना है। तो देखो बेटा, जो हमको एक्स यहाँ बेटा जो हमको प्रूव करना है, उसमें क्या ले लेंगे हम, एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस यहाँ पर हम लोग एलएचएस ले लेंगे। अब यहाँ देखो बेटा, हमको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपान का बेटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर अपान के बेटा सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये हमको दे रखा है, इसको बेटा हमको वन के इक्वल दिखाना है। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड की बेटा वैल्यू से पुट कर दो। तो जब एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी अपनी हो जाएगी, ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू बेटा कितना आ जाएगा, ये आपका कॉस फाई हो जाएगा। अपान बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर बेटा आपका इक्वल रहेगा। ठीक, और प्लस देखो बेटा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर आपका हो जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू बेटा क्या ये आपका जाएगा साइन स्क्वायर बेटा, ये आपका फाई आ जाएगा। यहाँ देखो बेटा कॉस स्क्वायर फाई होगा ना, क्योंकि पूरे पे स्क्वायर लगा है। अपान बेटा क्या जाएगा, ये आपका यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, माइनस देखो बेटा, अब जेड स्क्वायर की वैल्यू की बेटा क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर इंटू बेटा टेन स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा। अपान बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सी स्क्वायर, ऐसे रहेगा। अब बेटा यहाँ देखो, ये ए स्क्वायर से बेटा ए स्क्वायर स्वाहा हो गए, ये बी स्क्वायर से बेटा बी स्क्वायर स्वाहा हो गए, सी स्क्वायर सी स्क्वायर बेटा स्वाहा हो जाएंगे। ठीक, कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ देखो बेटा, हमारा कितना बचा हुआ है, हमारा बचा है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर बेटा फाइव दे रखा है। ठीक, और प्लस कितना बचेगा, हमारा बचेगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू बेटा साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा बेटा। माइनस हमको दे रखा है टेन स्क्वायर थीटा बेटा हमको ये दे रखा है। अब यहाँ देखो बेटा, ठीक, शुरुआत के दो टर्म में देखो, कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई दे रखा है बेटा, इसकी वैल्यू वन होती है। क्यों, थीटा की वैल्यू आप अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह बेटा साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अगर अल्फा लिखा हो, उसकी वैल्यू हमेशा प्लस करेंगे तो हमारी वन ही वैल्यू हो जाएगी। यहाँ तक दोनों टर्म बेटा देखो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन मिल रहा है। यहाँ देखो अगर हम सेक कॉमन ले लें बेटा, सेक दोनों टर्म में क्या आपका हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लो तो अंदर बेटा कितना बचेगा, आपका बचेगा ये कॉस स्क्वायर फाई प्लस बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका साइन स्क्वायर बेटा, ये आपका फाई आ जाएगा इतने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। यहाँ देखो ये माइनस, अब टेन स्क्वायर थीटा हम लोग ने बेटा आइडेंटिटी नंबर सेकंड क्या पढ़ रखी है, अब तो आइडेंटिटी बेटा हम लोग को याद होनी चाहिए। इतने सवाल लगवा चुके हैं, 100 से ऊपर सवाल आप लोग के लग चुके हैं। आपको जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के बाद टेन स्क्वायर थीटा बेटा, इसकी वैल्यू वन होती है। तो यहाँ से देखो अगर हम टेन स्क्वायर थीटा का निकालेंगे वैल्यू, तो बेटा यहाँ देखो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा जब दूसरी तरफ आ जाएगा प्लस में हो जाएगा बेटा, ये वन है, वन जब आपका बाई ओर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो आप टेन स्क्वायर वैल्यू की आपकी वैल्यू बेटा आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन आ जाएगा। देखो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन बेटा आ जाएगा। ठीक, अब बेटा ये वैल्यू हम बेटा हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इतना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बेटा माइनस का, ये वन रहेगा ऐसे। ठीक, अब देखो बेटा आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेटा इसकी वैल्यू वन होती है। ये बेटा स्क्वायर लिखा है यहाँ पर आपका है, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर स्क्वायर लिखा है ना बेटा, इसकी वैल्यू आपकी वन होती है। तो देखो ये बेटा अगर थीटा की जगह अल्फा बीटा गामा डेल्टा फाई साई कुछ भी हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन ही हो जाएगी। तो देखो बेटा यहाँ कितना वन बचेगा, देखो ये पूरी वैल्यू बेटा आपकी वन हो जाएगी। ठीक, तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा हम बचेगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा बेटा, यहाँ माइनस में कितना रहेगा, माइनस आपका रहेगा सेक स्क्वायर थीटा बेटा माइनस का ये वन रहेगा। अब बेटा इसको यहाँ पर हम रफ करते हैं और इस सवाल को काफी नीचे हो जाएगा, ऊपर लगाते हैं क्योंकि जगह जगह पड़ी बेटा है।
है दोस्तों। अब ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बेटा माइनस, आपको पता है ब्रेकेट के बाहर अगर माइनस लगा हो, जैसे बेटा हम ब्रेकेट ओपन करेंगे अंदर के सारे साइन आपके चेंज हो जाएंगे, है ना। तो ये कितना आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बेटा माइनस में पड़ा, देखो ब्रेकेट के अंदर सेक थीटा बेटा आपका आपका किसमें लिखा है, आपका प्लस में लिखा गया है, लेकिन यहाँ बेटा क्या जाएगा जैसे हम ब्रेकेट ओपन करेंगे वो आपका माइनस में जाएगा। और देखो बेटा माइनस का वन लिखा, तो जो जैसे बेटा ब्रेकेट ओपन करो आपका प्लस में जाएगा, बेटा क्या हो जाएगा देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में बेटा ये माइनस में आपस में कट जाएगा बेटा, ये वैल्यू आपकी वन आ जाएगी। थोड़ा सा वन ही दिखाना था, तो ऐसे में इस आसान तरीके से इस क्वेश्चन को निपटा डालेंगे, है ना दोस्तों। देखो हम लोग ने एक महीने के अंदर अंदर आज से लगभग एक मतलब 2 तारीख में हमारा चैनल शुरू हुआ था, और आज बेटा वीडियो तो आपको देर में मिलेगी क्योंकि ये वीडियो मैं कुछ दिन बाद मतलब वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो मान लीजिए आपको जैसे आज आज 1 तारीख है, आज आज बेटा एक बेटा आज आज 1 जुलाई तारीख है, ठीक। एक महीने में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री बेटा पूरी खत्म कर डाली है, और इस जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं उसी से बेटा यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड मतलब आपका पेपर इससे बाहर इस टॉपिक से नहीं आना चाहिए, वरना बेटा आएगा। मतलब अब एक दो क्वेश्चन आन तान दे दे वो तो बात की बात है, क्योंकि बेटा मेरा एक कहते नहीं है कि इतना मैंने पढ़ रखी है तो उसके अकॉर्डिंग बेटा इतना ही इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, ठीक दोस्तों। तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, आज ये टॉपिक का आपका दाइंड होता है। इस टॉपिक का हम लोग क्या करते हैं, दाइंड करते हैं, दाइंड टॉपिक करते हैं, ठीक बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा हो जाएगा ये टॉपिक के बेटा दाइंड यहां से हो जाता है, ठीक बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस बेटा देखो क्यों हम कहा सर आप ये यही क्यों शुरू कर रहे हो, तो बेटा हम बताएंगे क्योंकि तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद हाइट एंड डिस्टेंस बेटा ये आपका उससे संबंधित मतलब उसका एप्लीकेशन यहाँ मतलब उसके ट्रिग्नोमेट्री के बेटा यूज बेटा इसमें किया गया है। तो ये टॉपिक आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ रखी होगी तो ये बेटा आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो देखो बेटा हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते जाएंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, मैं भी आपको अच्छे से पढ़ाता रहूँगा दोस्तों। दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, पहले इसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि टॉपिक में कैसे क्या क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ठीक बेटा। कि हम लोग सवाल के थ्रू क्वेश्चन को मतलब इस टॉपिक को पूरा पूरा जानेंगे। इसमें बेटा मान चलो मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा, 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा कितने आपके 30 क्वेश्चन में कराऊंगा इससे, बेटा मान चलिए इस 30 में से ही देखो। अब बेटा क्वेश्चन तो कम से कम 80-90 या 100 क्वेश्चन होंगे पूरी बुक मिला करके इस टॉपिक के, लेकिन देखो बेटा सब अब एक क्वेश्चन आपका जैसे एक टाइप के 10 क्वेश्चन है तो मैं उसका एक कराऊंगा, ठीक। इस 30 क्वेश्चन में बेटा आपका हाइजीनिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक। उसमें आप लोग को दिक्कत कोई नहीं होगी दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।